बाके बिहारी लाल की जय। हाँ जी तो भाई स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो भाई आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। तो भाई अब तैयारी चल रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। हाँ जी तो भाई ये तैयारियां अभी चल रही हैं, थोड़ा सेटअप है अभी जो तैयार होगा, अभी कुछ सामान रह गया है, कुछ लाने वाला सामान है अभी। हाँ जी तो भाई जो 8 बजे वो मटकी फोड़ी जाएगी और 9 बजे जो भंडारा शुरू होगा। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, बस बने रहिएगा भक्ति फैमिली से और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी तो भाई मंदिर में आ चुके हैं और करते हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन और झुलाते हैं उनको झूला। झुला चुके हैं और अब आपको मिलेंगे जब डेकोरेशन पूरी हो जाएगी। तो देखिए भाई अभी कितना टाइम लगेगा, शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा बड़े आराम से। हाँ जी तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये बलून आपके भाई ने फुलाए हैं, कैसे फुलाए हैं आइए आपको दिखाता हूँ वीडियो में आगे, तो चलिए मेरे साथ। डेकोरेशन की मटकी भैया बना ही रहे हैं, तो बस थोड़ा 1/2 घंटे का टाइम और लगेगा। हाँ जी तो भाई जो तैयार हो गए मंदिर में आ चुके थे और देखा कि भैया जो है वो ढेर सारा मक्खन जो मटकी में डाल रहे थे और भैया बारी बारी से मक्खन डाल रहे थे और उसके बाद जो भैया ने शुगर पाउडर डाला जिसको बूरा भी कहते हैं, आइए आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या क्या डाला भैया ने। ये देखिए भाई इसमें मक्खन, मिश्री, बर्फ और टॉफियां डाली हुई है भाई ने। तो मटकी जो है पूरी रेडी हो चुकी है, चलिए अब इसको टांगते हैं ऊपर। हाँ जी तो भाई जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले मटकी नहीं पहले भाई होगा भंडारा शुरू। तो आइए चलिए माता जी को भोग लगाते हैं और करते हैं भंडारा शुरू। तो भाई माता जी को भोग लगा दिया था, माता जी के भोग लगाने के बाद बैठी थी कंजकें जो कि कन्या का रूप होती हैं, तो उनको जो है भोजन खिला के लंगर शका के तो भंडारा की हमने शुरू। हाँ जी तो भाई चलिए आज आपको दिखाते हैं कि भंडारे में जो क्या बना है। तो भाई जो भंडारे में बना है आज रायता जो कि टमाटर और खीरे का मिक्स था, और रुमाली फुलका उसी के साथ बनी थी खीर, और साथ में थी कद्दू की सब्जी। तो भाई जो भंडारा है यार भाई सच में बहुत स्वाद बना हुआ था, मेरे को सबसे अच्छी लगी कद्दू की सब्जी। और ये देखिए भाई हमारा जतिन भाई कैसे बर्तनों की जो सेवा में लगा हुआ है बड़े ही मन से। हाँ जी तो भाई फाइनली अब आ गई थी बारी मटकी तोड़ने की। तो जो मटकी की स्टैंडिंग पोजीशन थी भाई वो थी नीचे 8 जने थे, ऊपर 4 थे और सबसे ऊपर भाई करण था जिसने आज श्री कृष्ण कन्हैया बन के मटकी जो है वो तोड़ी थी। और भाई जैसे ही मटकी टूटी ना वैसे ही भाई जो मक्खन के लिए जो भीड़ है वो टूट के पड़ी। इसके लिए इतना इंतज़ार और जो इतनी मेहनत थी वो करनी पड़ी, मटकी तोड़ी और फिर उसके बाद जो हमको प्रसाद मिला मक्खन का
बस जो मेहनत थी वो इसी के लिए थी। और भाई प्रसाद था ना जो, सच में भाई बहुत स्वादिष्ट था, जिसको बोलते ना मक्खन का प्रसाद। जन्माष्टमी में वो होती है यहीं पे समाप्त। और भाई अब 1 बज गए, अब चलते हैं सोने। अगर आपको कृष्ण जन्माष्टमी का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और भक्ति फैमिली से ऐसे जुड़े रहें। बाकी बिहारी लाल की जय।